Good morning student, today we have to learn English standard 4. So last time पे मैंने आपको जो हिवाथा वाला chapter था ना, हमने new chapter start किया था. okay, तो ये जो हिवाथा वाला chapter है वो पूरा explain कर दिया है कि हिवाथा जो है वो red Indian boy है और वो अपनी grandmother के साथ कहाँ पे रहता है, विगवाम में रहता है. तो वो जो है वो birds and beasts दोनों की जो language है वो सीख लेता है secretly, और उनके बारे में वो सब जान लेता है ना. तो आई थिंक हमने उसके क्वेश्चन आंसर कर लिए थे और आप सबने अच्छे से नोटबुक में लिखे होंगे. फिर से मैं आपको एक बार बता देती हूँ क्वेश्चन आंसर के बारे में. वो वॉज हिवाथा कौन था, हमें लिखना है हिवाथा वॉज अ यंग रेड इंडियन बॉय. हिवाथा कौन था, यंग रेड इंडियन बॉय. हिवाथा वॉज अ यंग रेड इंडियन बॉय. हिवाथा जो है वो यंग रेड इंडियन बॉय है था. वो वॉज नोकोमिस, नोकोमिस कौन थी, तो नोकोमिस वॉज हिवाथाज ओल्ड ग्रैंड मदर. नोकोमिस वॉज हिवाथाज ओल्ड ग्रैंड मदर. ये जो क्वेश्चन आंसर है बच्चों आपको वो नोटबुक में लिखने हैं, ओके, विथ गुड हैंड राइटिंग. तो ये आपका होमवर्क रहेगा कि वीडियो में देख देख के आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे हैंड राइटिंग में नोटबुक में लिखने हैं. वॉट डिड ही लर्न अबाउट द बर्ड्स, यानी कि हिवाथा जो था उसने बर्ड्स के बारे में क्या लर्न किया. तो आंसर लिखेंगे ही लर्न अबाउट द लैंग्वेज ऑफ एवरी सिंगल बर्ड. तो उसने क्या सीखा, ही लर्न अबाउट द लैंग्वेज ऑफ एवरी सिंगल बर्ड, यानी कि उसने लैंग्वेज सीखी हर एक बर्ड के लैंग्वेज उसने सीखी. फोर्थ नंबर है व्हाट सीक्रेट्स डिड ही लर्न अबाउट द बीस्ट, उसने बीस्ट जो था एनिमल जो थे उसके बारे में उसने क्या सीक्रेट्स लर्न किए, क्या सीखे. तो हमें उसमें लिखना है यहाँ से लेकर लिखना है ही लर्न अबाउट बीस्ट, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है ही लर्न अबाउट बीस्ट. उसके बाद लिखना है हाउ द बेवर्स बिल्ड देयर लॉजेस वेयर द स्क्विरल्स हिड देयर एक्रॉन्स कोमा एंड हाउ द रेंडियर रैन सो स्विफ्टली कोमा व्हाई द रैबिट वाज सो टिमिड. तो ये जो चार लाइन है यहाँ से हाउ द बेवर्स बिल्ड देयर लॉजेस वेयर द स्क्विरल्स हिड देयर एक्रॉन्स हाउ द रेंडियर रैन सो स्विफ्टली एंड व्हाई द रैबिट वो स्टीमिंग. तो ये जो सारी लाइन है यहाँ पे कॉमा दिए हैं, तो आपको यहाँ पे फुल स्टॉप करके ये चारों चार लाइन आपको कौन से आंसर में लिखने हैं, आंसर नंबर 4 में. फिर से मैं आपको क्वेश्चन आंसर बता देती हूँ. वो वॉज हिवाथा, हिवाथा कौन था, हिवाथा वॉज अ यंग रेड इंडियन बॉय. हिवाथा यंग रेड इंडियन बॉय था. वो वॉज नोकोमिस, नोकोमिस कौन थी, तो नोकोमिस वॉज हिवाथाज ओल्ड ग्रैंड मदर. नोकोमिस हिवाथा की बूढ़ी दादी थी. वॉट डिड ही लर्न अबाउट द बर्ड्स, उसने बर्ड्स के बारे में क्या सीखा, ही लर्न अबाउट द लैंग्वेज ऑफ एवरी सिंगल बर्ड. तो उसने जो है वो हर एक बर्ड की लैंग्वेज के बारे में सीखा. वॉट सीक्रेट्स डिड ही लर्न अबाउट द बीस्ट, बीस्ट यानी कि एनिमल, तो उसने एनिमल के बारे में कौन सा सीक्रेट सीखा, सो ही लर्न अबाउट द बीस्ट, उतना लिखना है. उसके बाद आपको लिखना है कि हाउ द बेवर्स बिल्ड देयर लॉजेस, कि बेवर कैसे अपने लॉजेस बिल्ड करते हैं, वेयर द स्क्विरल हाइड देयर एक्रॉन्स, स्क्विरल अपने स्मॉल नट्स कहाँ पे हाइड करती है, छुपाती है. हाउ द रेंडियर रन सो स्विफ्टली, रेंडियर इतना फास्ट कैसे भाग सकता है, वाई द रैबिट सो वो सो टीमिन, यानी कि रैबिट क्यों इतना शाय है, इतना शर्माता है. ओके, तो यहाँ तक आपका आंसर रहेगा. देखो मैंने यहाँ पे जो है ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्ट होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है, ब्रैकेट्स किए हुए. ओके किड्स, तो ये चारों के चारों क्वेश्चन आंसर जो है आपको अपनी नोटबुक में विद द गुड हैंड राइटिंग लिखने हैं. उसके बाद है लेट्स लिसन, चलो हम सुनते हैं ये दोनों बच्चे क्या बातें कर रहे हैं. देखो ये लड़की है ना, कितने बातें कर रही है इस लड़के से, है ना. सो
विस्पर अ सीक्रेट इन योर पार्टनर्स ईयर, यानी कि विस्पर करना क्या मतलब, तो हम धीरे धीरे बोलते हैं ना, मिस हमें बातें करने के लिए मना करती है तो हम कैसे धीरे धीरे बातें करते हैं क्लास में, सो इट्स कॉल्ड अ विस्पर, यानी कि धीमे धीमे बोलना. सो विस्पर अ सीक्रेट इन योर पार्टनर्स ईयर, यानी कि आपके पार्टनर के कान में आपको सीक्रेट, यानी कि अपना कुछ सीक्रेट है तो आपको बताना है. द पार्टनर विल इन टर्न विस्पर हिज सीक्रेट इन योर ईयर. ये लड़की जो है उसके पार्टनर को अपना सीक्रेट बता रही है पहले, बाद में ये जो है वो अपना सीक्रेट इस लड़की को बताएगा. ओके तो ये बोल रहा है, आई हैव सीन अ वेल विथ अ पोल्का डॉट टेल, यानी कि मैंने जो एक वेल है वो देखी थी, देखो उसकी टेल पे क्या था, डॉट्स थे, तो ये सीक्रेट बता रहा है. और ये क्या सीक्रेट बता रही है, ये बता रही है आई हैव सीन अ बी विथ अ फ्रैक्चुअल नी, तो उसके देखो उसका जो नी है वो क्या कैसा हो गया है, फ्रैक्चर हो गया, यानी कि पैर जो है वो टूट गया है, तो ये बता, देखो उसका फ्रैक्चर किया हुआ है. ये सब कभी होता है, नहीं होता है, लेकिन ये बता रहे हैं कि मैंने एक बीज देखी थी, मैंने एक माखी देखी थी, वो कैसी थी, उसका जो पैर था वो कैसा था, फ्रैक्चर हो गया था. तो ये जो है वो एक दूसरे को अपने सीक्रेट बता रहे हैं. आप ऐसे अपना सीक्रेट जो है वो अपने फ्रेंड को बता के ये एक्टिविटी कर सकते हैं. ओके किड्स, देन पेज नंबर 95, चाइनीज विस्पर. चलो तो अभी हमें धीमे धीमे बोलना है, लेकिन कैसा, चाइनीज. देखते हैं कैसा है चाइनीज विस्पर. फ्रॉम अ सर्कल एंड विस्पर अ सीक्रेट इन टू ईयर ऑफ द पर्सन ऑन योर राइट. आपको क्या करना है कि एक सर्कल में बैठना है. देखो ये बच्चे सर्कल में बैठे, तो ये बच्चा है उसका राइट हैंड ये है, तो ये बच्चा इसको सीक्रेट बोलेगा, ये बच्ची इसको, ये इसको, ये इसको और ये इसको. ओके तो यहाँ से स्टार्ट हो गए, ऐसे जाएगा. ओके तो जो राइट, यानी कि आपके राइट साइड में जो पर्सन बैठा है आपको उसको ही सीक्रेट बोलना है. ही इन टर्न विस्पर इन टू ईयर ऑफ द पर्सन ऑन राइट. सबको अपने राइट में जो पर्सन है उसको सीक्रेट बोलना है. पास द सीक्रेट ऑन टिल इट गोज अराउंड द सर्कल. और वो सीक्रेट जो है जब तक सर्कल तक पास ना हो जाए तब तक आपको एक दूसरे के कान में बोलना है. द लास्ट पर्सन विल टेल द सीक्रेट अलाउड. तो जो लास्ट वाला पर्सन है उसे सीक्रेट जोर से बोलना है. ओके चलो, ये लड़का जो है वो इस लड़की को बोल रहा है कि मैं समर में घूमने गया था, जू देखने गया था. तो ये इस लड़के को बोला, इस लड़के ने इसको बोला, इसने इसको, इसने इसको और इसने इसको. अभी ये लास्ट पर्सन है तो ये ज़ोर से बोलेगा कि कौन सा सेंटेंस था, कि मैं समर में जू देखने गया था. तो ये वाली जो गेम है आप शायद घर पर खेलते ही होंगे, है ना. तो ये जो है वो क्या है, चाइनीज विस्पर. इस गेम का नाम है चाइनीज विस्पर. ओके तो ये गेम जो है आप घर पे खेल सकते हो अपने फ्रेंड के साथ. इज द सीक्रेट द सेम एज व्हाट द फर्स्ट चाइल्ड हैड विस्पर्ड. और आपको इतना धीरे बोलना है कि शायद उस बच्चे को सुनाई भी दे और ना भी सुनाई दे. तो क्या होगा कि जो ये फर्स्ट वाला बच्चा था उसने जो पास किया था, ये जो लास्ट वाला जो बोल रहा है वो सेम है या अलग है. शायद अलग भी हो सकता है, क्योंकि हम विस्पर कर रहे एकदम धीरे धीरे से बोल रहे, तो शायद इसको अच्छे से सुनाया हो या फिर इनमें से किसी के साथ कुछ गलती हुई हो, तो जो आपने जो विस्पर किया आपने जो बोला है वो सेम ना हो. ओके उसके बाद है लेट्स टॉक. डू यू थिंक दैट हैवा था लाइक लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस. आप ऐसा सोच सकते हो कि हैवा था को नई नई लैंग्वेज सीखना पसंद था. उसके बाद शायद हाँ, क्योंकि वो जो है वो बर्ड्स की लैंग्वेज सीख रहा था, है ना. तो ये सिर्फ बात सिर्फ हमें डिस्कस करना है, या आपको नोटबुक में ना ही लिखना है ना ही कहीं पे भी लिखना है. ओके उसके बाद है हैवा था कॉल्ड द बर्ड्स चिकन्स एंड द बीस्ट ब्रदर्स. व्हाट डू यू थिंक दिस शोज. तो हैवा था जो है वो बर्ड्स को चिकन्स बुलाता था, यानी कि अपने बच्चे ऐसा मानता था, क्योंकि बर्ड्स जो बर्ड्स की लैंग्वेज भी वो समझ सकता था. एंड बीस्ट यानी कि एनिमल को ब्रदर्स बुलाता था, क्योंकि वो एज में छोटा था ना आपके जितना, तो एनिमल्स उसके भाई बहन हुए, है ना. तो ये क्या बताता है, तो ये दिखाता है कि हैवा था जो है वो एनिमल और बर्ड से बहुत प्यार करता था. डू बर्ड्स हैव सीक्रेट्स. बर्ड्स का भी सीक्रेट होता है. यस, बर्ड्स का भी सीक्रेट होता है. वो भी एक दूसरों को स्पेशल आवाज़ दे के बुलाते हैं जो हम नहीं पहचान सकते.
Do you know the secret language of any animal? Tell the class about it. अगर आपको किसी एनिमल के बारे में, सीक्रेट लैंग्वेज के बारे में पता है, शायद आपके घर पे कोई कुत्ता हो, बिल्ली हो, तो आपको कोई भी सिग्नल देके उसे बुलाते हो या फिर नाम से बुलाते हो, तो आपको उसकी सीक्रेट लैंग्वेज के बारे में पता होगा, तो आप किसी और को इसके बारे में बता सकते हो. सो किड्स, आज के लिए बस इतना ही. पेज नंबर 94 और 95 हमने यहाँ पर डिस्कस किया, उसमें से आपको ये जो क्वेश्चन आंसर है, 4 क्वेश्चन आंसर विद द गुड हैंड राइटिंग, आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं. आंसर क्या है, कैसे लिखने हैं, मैंने आपको आंसर ऑलरेडी बता ही दिए हैं. तो आपको अच्छे हैंडराइटिंग में, इंग्लिश की नोटबुक में, आपको चैप्टर का नाम लगा के आपने पहले न्यू वर्ड्स लिखे होंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करने हैं, और बाद में ये 2 एक्टिविटीज़ है, तो आप अपने फ्रेंड के साथ वो एक्टिविटी कर सकते हो. ओके किड्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसे आगे पढ़ेंगे. थैंक यू.